सो गाइस आपको वेलकम कहते हैं हमारे YouTube चैनल में। सो अभी गौरी की देखो पसीना कितना आ रहा है। आज हम आपको बना के दिखाएंगे बैगन फ्राई। तो बैगन फ्राई किस तरह से करते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो अभी गौरी ने धुलाई कर दी है, तो अभी इसको ऐसे छुरी से काटेगी, उसके बाद फिर मसाला लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छे बनाती है गौरी, पहले भी हमने दो तीन बार बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अभी इस बार भी आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से बनाते हैं। तो हमारी छुरी है थोड़ी तेज नहीं, तो अभी गोरी काट रही है, देखना खराब को ना हो। नहीं है ना, मेरे ख्याल से नहीं। हमारा तवा भी गर्म हो गया है, तो अभी बैगन भी काट दिए, अभी चार काट दे, एक रख दे, तीन हाँ दो बंदे तीन बहुत हो जाएंगे। तो अभी गाइस हम आपको बताएंगे तीन बैंगन बना के आपको किस तरह से किस तरह बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या, नमक, तो नमक लगाना पड़ेगा। उसके बाद सो गाइस तीनों पे हमने नमक लगा दिया। अभी गोरी लगा रही है मसाला, तो मसाला है कढ़ाई मसाला, अगर आपके पास कोई और अच्छे मसाले हैं तो वो भी आप लगा देना, ऐसे ही गोरी? हाँ जी। तो अभी ये दो लगा के फिर हम तवे पे फ्राई करेंगे घी के साथ। तो ऑयल भी हमारे पास अच्छा नहीं, अगर आपके पास अच्छा हो तो वो इस्तेमाल करना। ये हमें मिलती है 60 रुपये की, 100 ग्राम घी इसमें होता है। अभी आप देखो कितनी महंगाई हो गई, लाल मिर्च लगा रही है इस पे। सो गाइस तीनों बैंगन गोरी ने फ्राई पे रख दिए, तो घी भी लगा दिया था। अभी ये पकेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह पकते हैं। तो ये तकरीबन 5-10 मिनट पक जाएंगे नहीं? हाँ जी। तो बड़े आवाज़ करें क्योंकि इसमें है पानी। सो गाइस आप अभी बैंगन देख रहे हो फ्राई हो रहे हैं, तब तक गोरी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो अभी आप हमारे हालात देख रहे हो, कोई अच्छे नहीं है, हमारे पास किचन नहीं है, हमारे पास घर भी अच्छा नहीं है, ये आपके सामने तो एक झोंपड़ी उसमें रहते हैं। तो आप सपोर्ट करना, हम एक दिन अच्छे अच्छे खाने बना के आपको दिखाएँगे, तो किसी अच्छे घर में भी रहेंगे। तो अभी हमारे बैंगन भी फ्राई होने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपकी फेवरेट क्या? नहीं बहुत अच्छे होते हैं, नहीं? हाँ जी। सो गाइस ये हम अक्सर से बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह बनाते हैं। तो अभी आपको शायद अंदाज़ा होगा कि किस तरह बन रहे हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना हमारे कहने पे घर पे, तो आप बहुत पसंद से खाओगे और दूसरी बार भी बनाओगे। सो गाइस हमारे पास फ्राई पैन नहीं है, तो उसके फ्राई पैन का ऊपर आपको पता है ढक्कन होता है, वो ऊपर देते हैं। तो हमारे पास फ्राई पैन नहीं है, तो ये देगड़ी ऊपर देंगे। अगर आपके पास फ्राई पैन है तो उसका भी आप ढक्कन दे सकते हो, वरना इस तरह भी जुगाड़ कर सकते हो हमारी तरह। तो अभी गोरी कर रही है, अभी रख दे ऊपर, अभी ठीक से पक जाएंगे। अभी देखो पसीना, इतनी गाइस हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट किया करें। तो रोटी भी हमारी गर्म गर्म पड़ी है क्योंकि धूप पे। एक मिनट देगड़ी रखने के बाद अभी उतार रही गोरी, अभी उतार दो, गरम है। सो गाइस अभी बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है और हमारे बैगन की, अभी देखो बैगन बहुत अच्छे हो गए हैं, वाह वेरी नाइस, अभी खुशबू देखो। अभी हमारे बैगन तैयार हैं, अभी देखो जल रहे हैं, थोड़े थोड़े जलने वाले देखने में आपको आए तो उतार देना। अभी बहुत अच्छे टेस्टी बन गए हमारे बैगन। सो गाइस अभी हम आपको टेस्ट करवाते हैं अपने बैगन और रोटी के साथ, तो किस तरह बने और अच्छे या नहीं वो हम अपनी ईमानदारी से बताएंगे कि टेस्ट है कि नहीं। तो बैर इसलिए हम खा रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, हमारे पास मोबाइल अच्छा नहीं है ना। ऐसे तोड़ के गज रियल, मेरे कहने पर आप एक बार जरूर ट्राई करना, वाओ बिल्कुल मच्छी की तरह लगते हैं। कम खर्चे में अच्छा जायका और बहुत अच्छा जायका। अभी हम जाएंगे अंदर, अंदर जाके खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी और धूप भी है। अभी हमारे चेहरे की हालत देखो, पसीना पसीना। सो गाइस ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे व्लॉग बना के आप दोस्तों को दिखाएंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें, और हमारे क्यूट कपल भी कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। छोटी उम्र में शादी कर ली, अभी भुगत रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छे बने, आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना ये बैगन। तो अभी वाइफ देख कैसे खा रही है, मैंने एक निवाला लगाया, वाइफ ने दो तीन निवाले लगा लिए।